सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ में बेल आइकॉन को भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों गूगल ने एक कमाल की एप्लीकेशन लॉन्च की है डेटाली, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने डेटा बचा सकते हो और आप फ्री वाईफाई भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों कैसे करेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे समय नहीं काटे वीडियो स्टार्ट करना चाहेंगे। मैं हूँ जतिन पटेल और आप देख रहे हो ऑनलाइन ट्रिक्स एंड ऑफर्स। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन का नाम है डेटाली। एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ परमिशन देनी पड़ेगी, जो आपको यहाँ पे अलाउ करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे तीन चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, डेटा सेवर ऑफ मैनेज डेटा और फाइंड वाईफाई। तो पहले हम लोग डेटा सेवर के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेटा सेवर ऑन करते हैं तो हमारी जो भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में होती है उसको ब्लॉक कर देगी। दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी एप्लीकेशन ज़्यादा एमबी यूज़ कर रही है उस एप्लीकेशन का भी लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मैनेज डेटा में चले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमने आज कितना एमबी यूज़ किया है उसके बारे में आपको बता देगा, कौन से टाइम में कितना एमबी खर्च हुआ है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक ब्लॉकिंग मोड दिखाई देगा, जैसे आपके बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चालू रहती है ऑन रहती है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर सेव मोबाइल डेटा ऑन करेंगे तो हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन को वो लॉक कर देगा, यानी आप यूट्यूब या फिर ट्यूब में चलाना चाहते हो वो यहाँ पे नहीं चला पाओगे। काफ़ी ऐसे एप्लीकेशन है जो अनलॉक भी है और लॉक भी है। लॉक ऐसी एप्लीकेशन है जो ज़्यादा एमबी खर्च करती है, जैसे मैं मुझे यहाँ पे यूट्यूब चलाना है या फिर ट्यूब में चलाना है तो मैं यहाँ पे नहीं चला पाऊँगा, क्योंकि उसने लॉक कर दिया है, यानी मेरा बैकग्राउंड में डेटा यूज़ नहीं होगा। मान लो आपको जिस एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो आप यहाँ से उसको अनलॉक करके उसको एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आप फ्री में वाईफाई कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो दोस्तों आपको यहाँ पर फाइंड वाईफाई का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको अपने डायरेक्शन में जितने भी नज़दीक की वाईफाई जो यहाँ पे है उसका यहाँ पे पासवर्ड भी बता देगा और उसकी लोकेशन भी बता देगा। जैसे मुझे यहाँ पे आर ओ टेलीकॉम करके एक नज़दीकी एक शॉप है, वहाँ का एक पासवर्ड मुझे यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से मैं लोकेशन भी देख सकता हूँ और वहाँ पे जाके उसमें फ्री वाईफाई भी यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं यहाँ से कितना नज़दीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं और उस जगह पर जाके आप उस पर फ्री वाईफाई यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है डेटा डेली। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों 1 मिलियन लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड की है, 4.2 की अच्छी खासी रेटिंग है। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जय हिंद वंदे मातरम।